राजकुमार जी, आपका फिर से स्वागत है। मैं आपको लंबे समय से भास्कर में और दूसरे पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहा हूँ। आपके लेखन में एक संगीत बरसता और झलकता है। आप स्वयं संगीत के प्रेमी हैं। मैंने आपका यहाँ संगीत का संग्रह देखा, बहुत विशाल संग्रह है, म्यूजियम जैसा है संगीत का। तो जरा आप अपने संगीत के शौक के बारे में कुछ बताएं। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो संगीत है वो बहुत सारे लोगों के साथ जो है बहुत बचपन से ही जुड़ जाता है। ये जो सिनेमा का जो संगीत है मूलतः जो है वो सबको जो है जोड़ लेता है। कुछ लोग जो है जिंदगी के दूसरी चीजों में जो है वक्त के साथ जो है इधर-उधर जुड़ के जो है शायद जो है वो मोह छोड़ देते हैं। कुछ लोग जो है उससे जुड़े रहते हैं, मैं उनमें से हूँ सिर्फ, और कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि वो शौक जो है कुछ शौक से थोड़ा सा ज्यादा इसलिए आगे बढ़ गया कि किसी वक्त जो है रिकॉर्ड खरीदने का शौक चला था और धीरे धीरे जो है रिकॉर्ड जो है बिकना लगभग बनना बंद हो गए, बिकना बंद हो गए, तो फिर उसको जो है सहेजने का शौक जो है और ज्यादा बढ़ गया और नतीजा ये हुआ कि अपनी सारी जो है जिंदगी में जो कुछ भी कमाया और वो सब जो है कोशिश की कि या तो किताबों में या रिकॉर्ड्स पे खर्च किया जाए, और संगीत पे ही होता रहा कि क्योंकि एक रिकॉर्ड आपको कोई बड़ा रेयर मिलता है तो आपको लगता है कि एक और है, एक और है, और ये एक एक की हवस जो है बढ़ती जाती है और जितना आप सुनते जाते हैं उसका जो है नशा उतना और बढ़ता जाता है। तो शायद उसी का नतीजा हुआ कि बाकी सारी चीजें छोड़ के शायद इसी से जुड़ गया, और उसी का नतीजा जो है होता है कि आप जब जिस चीज में ज्यादा रमे हुए होते हैं वो ज्यादा आपके साथ दिखाई देती है। तो लिखने पढ़ने में जो है कुछ भी लिखने लगता हूँ तो जो है वो संगीत ही याद आता है। मैंने आपके संग्रह में ये महाराजाओं के जमाने के लास्ट के बने हुए ओरिजिनल रिकॉर्ड देखे। एक जो बाजा आपका मैंने यहाँ पे देखा जो कि टोटली पूरी तरह से मैकेनिकल बाजा है, डायफ्राम से चलता है, हमने एक मिनट के रिकॉर्ड भी किया है, तो उसके बारे में बताएंगे कि वो देखिए ये जो शुरुआती दौर में जिस तरह से जो है जो रिकॉर्डिंग्स होती थी वो पूरी तरह से वैक्स पे जो है काटे जाते थे वो, उसके बाद जो है ये धीरे धीरे जो है डेवलप होते गए। ये जो है शुरू के जो रिकॉर्ड्स हैं वो लाख पे जो है बनाए हुए हैं। ये जो पहले वो एक तरफा होते थे जिनको पत्थर का रिकॉर्ड भी कहा जाता था, फिर तो लाख के रिकॉर्ड हैं, उनका वजन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई उस पर, लेकिन स्पीड उसकी जो है वो 78 RPM की रही है। तो वो 78 RPM का रिकॉर्ड्स हैं। तो ये 78 RPM के रिकॉर्ड्स जो है बहुत बचपन में जो है कहीं जो है घर में देखा था कि ये इस तरह के बाजे जो है चूड़ी वाले बाजा कहते हैं इसको, चूड़ी वाला बाजा। तो ये जो चूड़ी वाले बाजे जो होते थे ये होते थे, उस पर बजता था। तो बचपन का एक जो है बेसिकली कहूँ फैसिनेशन है, उस फैसिनेशन से ही जो है आप किसी तरह से जो है फिर बाद में ये सब चीजें एक्वायर करते जाते हैं और फिर उसको जो है आप एक नॉस्टैल्जिक एक मोमेंट्स जो है आपके क्रिएट होते हैं, जिससे जैसे मैं इन रिकॉर्ड्स को जो है इस पे सुनता हूँ तो मुझे जो है वो एक लालच ही होती है कि मैं बच्चा बन जाता हूँ उसकी देर के लिए कम से कम। आज के जो सीडीज में जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, सीडीज में MP3 में संगीत आ रहा है, MP3 प्लेयर्स में आ रहे हैं, और जो पुराने जमाने के जो बाजे हैं जो जिसमें जैसे कि डायफ्राम से बजने वाला मूल ओरिजिनल बाजा, इन दोनों के संगीत में कुछ आप अंतर महसूस करते हैं? नहीं, बहुत बहुत बड़ा अंतर है। देखिए अव्वल तो जो है ये मुझे जो सुनना है, जैसे ये एक सुविधा की दृष्टि से भले ही आज के आदमी को जो है ये भले अच्छा लगता हो कि MP3 में साहब 500 गाने हैं या 300 गाने हैं या 200 गाने हैं, वो एक साथ लगा दिया और चलता रहेगा, लेकिन मुझे जो है यही ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं मेरा दिल चाहे कि मैं विलास खान साहब को सुनूं या फैयाज खान साहब को सुनूं या लता मंगेशकर का कोई पर्टिकुलर गाना सुनूं या गीता दत्त का कोई गाना सुनूं, तो जो है मैं उसको निकालूं, उसको रखूं, उसको जो है ये वैसा ही है जैसे अपने हाथ से पका हुआ खाना और या होटल में जाके खा लेना, जितना ऑर्डर कीजिए सब मिलता जाएगा। मैं तो जो है अपने हाथ का पका हुआ ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। आपके संग्रह में बहुत ही खूबसूरत कलेक्शंस हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपका कोई प्राइड
पोजीशन जिसको कहना चाहिए प्राइज पोजीशन, या ऐसा संग्रह या ऐसा कोई गीत संगीत जिससे आपको लगती है कि मेरा कलेक्शन में मुझे गर्व है? देखिए यूं तो जो है अगर गर्व की बात करेंगे तो जो है मैं कहूँगा कि तो कोई बहुत गर्व करने की बात कोई है नहीं, खुशी की बात जरूर है। रिकॉर्ड देखता हूँ या सुनता हूँ तो खुशी होती है। अब गर्व तो जो है कोई करना मुझे नहीं आता, नहीं गर्व नहीं है जी। चलिए विषय बदलते हैं, आपके संग्रह में कब से लेकर, आप तो बहुत पुराने समय से सुन रहे हैं, कब से लेकर संगीत का कलेक्शन है? देखिए ये जो है मेरे रिकॉर्ड से होंगे, वो जो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है वो जो पुराना जिसको मैं कह सकता हूँ वो मेरा ख्याल से गौहर जान की आवाज में जो है, क्योंकि गौहर जान ही सबसे पहली सिंगर थी वो जिसका जो है रिकॉर्ड बना था भारत की, भारत में। तो गौहर जान की आवाज में जो कुछ रिकॉर्ड्स हैं वो जो है मैं काफी, हाँ मैं उनको सहज के बहुत रखता हूँ। ये हमारे इंटरनेट के जो श्रोता और दर्शक हैं और पाठक हैं वो इस गौहर जान का कलेक्शन सुनना चाहेंगे तो क्या आप उन्हें सुना पाएं, क्योंकि आप कभी कुछ छोटे मोटे संगीत डिजिटाइज भी करते रहे? अब डिजिटाइजेशन जो है मैं बता रहा हूँ कि मैं डिजिटाइजेशन के मामले में बहुत ही कमजोर आदमी हूँ, और मेरे बहुत सारे दोस्त मैं खो चुका हूँ इस वजह से कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं जो है उसको नेट पे जो है भेज सकता हूँ रिकॉर्ड करके, लेकिन वो जो है उसमें थोड़ी सी जो है उसमें मुझे मुश्किल है, मैं अभी उतना समय जो है नहीं दे पाता हूँ और मैं उसमें जो है इतना माहिर भी नहीं है तो इस वजह से नहीं होता। लेकिन जो है हाँ ये है कि नियत जरूर है कि कभी ना कभी जो है ये सुनाऊंगा, मैं जरूर सुनाऊंगा। संगीत जो है प्राचीन जमाने का संगीत और आधुनिक संगीत, इसमें तो जमीन आसमान का अंतर है, पर संगीत तो फिर भी पुराने जमाने का संगीत और नए जमाने का संगीत, तो क्या ये पीढ़ियों का अंतर है, क्या लोगों की रुचि का अंतर है, क्या अंतर है, किस तरह का अंतर है? मैं आपको अगर ये सच्ची बात कहूं कि मुझे जो है अगर आपने, मैं देखा नहीं शायद, मेरे पास जो है अगर मान लीजिए हिंदी का जो है 6-8 हजार रिकॉर्ड्स होंगे या कैसेट्स होंगे या जो भी कुछ होगा, तो कम से कम जो है 4-5 हजार जो है अंग्रेजी के और दूसरे लैटिन भाषाओं के भी रिकॉर्ड्स हैं और मैं सुनता हूँ। और मुझे नए पुराने संगीत में सिर्फ इतना लगता है, जैसे नया संगीत भी है तो उसमें भी मुझे कुछ कुछ जो है धुने बहुत अच्छी लगती हैं, म्यूजिक का यूज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है ये सही है कि उसकी उम्र जो है बहुत नहीं होती, थोड़े दिन सुन सकते हैं और मैं सुनता हूँ उसको चाहे जितने भी दिन हो, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दूं, सुनता हूँ और फिर रिजेक्ट और सिलेक्ट हमेशा करता ही हूँ, जैसे पहले करता रहा हूँ वैसे भी करता हूँ। लेकिन ये सही बात है कि जैसे जैसे पुराने संगीत की बात है, जो जितना पुराना होता गया है, जो उस दौर में जो रिकॉर्ड्स बने और नहीं चले, जो संगीत जो है वहाँ पे उस वक्त पॉपुलर नहीं हुआ, वो भी आज संगीत जो है गानों को अच्छा लगता है, उसकी वजह मुझे नहीं मालूम क्यों है ऐसा। धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत बहुत।